नमस्कार, स्पेशल इस पंजाबी चो थाड़ा सब दा स्वागत है। पिंड बागड़ियां चो गुजर भाईचारे वल्लों मस्जिद दे निर्माण लई प्रसिद्ध शायर सूफी लेखक मेहर चंद सिद्धू वल्लों नींह पत्थर रखवाया। इत्थों थोड़ी दूरी ते पैंदे पिंड बागड़ियां चो गुजर भाईचारे वल्लों मस्जिद दे निर्माण लई प्रसिद्ध शायर सूफी राइटर मेहर चंद सिद्धू दे कर कमला नाल नींह पत्थर रखवाया गया। इस मौके मस्जिद के इमाम साहिब मौलवी मासूम की अगवाई च मुस्लिम भाईचारा एकत्र होया। इस मौके गुजर भाईचारे के सदे ते मेहर चंद सिद्धू वालों उचेचे तौर पर शिरकत की गई। गुजर भाईचारे ते मौलवी मासूम वालों सिरपाओ दे के लेखक सिद्धू का सन्मान किया गया। इस मौके एकत्र होए मुस्लिम भाईचारे के मुखातिब हुंदिया मेहर चंद सिद्धू वालों कुचान मस्जिद की फिलोसफी ते हज़रत मुहम्मद साहिब का फलसफा बयान करदिया कहा कि पवित्र ग्रंथ कुराने पाक की फिलासफी सांझीवालता की प्रतीक है। मनदीप कुमार जी की विशेष रिपोर्ट, स्पैशल न्यूज़ पंजाबी। देखो, हमारे यहाँ बागेड़े पिंड में माशाल्लाह इन्होंने नींह पत्थर रखवाया और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस चीज़ में कोशिश करें, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो है सभी को भाईचारा के लिए बोलता है। सभी भाइयों, देखो हमारे नबी ने एक औरत थी मदीने में, मस्जिद नबी में, वो जो है सफाई करने के लिए आती थी, तो उन्होंने कहा कि वो कम से एक महीने से सफाई कर रही थी, तो वो दो दिन के लिए आई नहीं। फिर वो हुजूर सल्लम पूछने लगे कि वो दो दिन से आई नहीं, फिर वो साहबा ने बताया कि उसका इंतकाल हो गया। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे से क्यों नहीं बताया, तो वहाँ गए उसकी कब्र पर और नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ के लिए उसके लिए दुआ की। तो देखो, जो जिसके लिए जो सफाई कर रहा है मस्जिद में, उसके लिए भी नबी दुआ कर रहे हैं। जो काम करेगा मस्जिद में हिस्सा लेगा, तो उसके लिए क्या कितनी बड़ी बात होगी। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी भाई हिस्सा ले इसमें मस्जिदों में इस्लाम में। ठीक है, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम। अज असी स्थित हाँ जी इत पिंड बागड़ियां दे विच, जिथे कि मस्जिद का निर्माण हो रहा है, और इतने अज नींह पत्थर रखा गया है। इमाम साहब स्थित हैं, साडा सत्कार जो सारा गुजर भाईचारा जो इतने स्थित है, और मैं पत्रकार लेखक मेहर चंद सिद्धू अज इतने स्थित हाँ जी। और बहुत ही एक मैं समझता कि वडभागा समा है, और खास करके जो एक फलोसफी है कुराने मजीद की और सांझीवालता का प्रतीक है। मैं समझता हाँ कि एक सांझीवालता का प्रतीक है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद साहब जिन्हों की फलोसफी कुराने मजीद के अंदर सूरत फातिया अलहम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन कह के बयान किया गया कि रब्बुल आलमीन कुल आलम वास्ते उतारी गई रब्बी बाणी है। उन्होंने सांझीवालता का प्रतीक दस्या है कि कुल आलम वास्ते उतारी गई रब्बी बाणी है, जिसकी तलावत करके कोई भी इंसान फायदा ले सकता है। और अज इत्थे मौका मिलिया जी सानू पिंड बागड़ी विच आण दा, ते भाईचारे विच अज जो मस्जिद दे निर्माण लई नींह पत्थर रख्या गया। मैं सारे भाईचारे नूं इमाम साहब नूं मुबारकबाद पेश करदा हाँ। शुक्रिया, मेहरबानी जी।